स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे ड्रामे के सेकंड मेन लीड त्यान यू से, जो कि एज यूजुअल सेकंड मेन लीड है, लेकिन फर्स्ट बंदे पूरे दिखा रहा होता है। हमें तो पता ही है कि लास्ट में बंदे का कटना ही है, लेकिन फिर भी सेकंड मेन लीड अपनी पूरी मेहनत करते हैं लास्ट तक कि उन्हें लड़की मिल जाए, पर मिलना थोड़ी है। त्यान यू भी अपनी इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ था। इसके बाद वो तोंगवे की कजिन को अप्रोच करता है और कहता है कि तोंगवे का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तभी उसकी कजिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझे इसीलिए अप्रोच करते हो बिकॉज तुम्हें तोंगवे के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, बट इट्स ओके, उसका अभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर होगा भी तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड मैनेज कर सके। एंड मेरी एक सलाह मानो, और अगर तुमने जल्दी नहीं किया, उसे प्रपोज नहीं किया और शादी नहीं की, तो तुम्हारे हाथ से तोंगवे निकलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इसके बाद त्यान यू भी समझ जाता है कि उसे जल्दी से कोई ना कोई मूव तो दिखानी पड़ेगी, कब तक बेचारा फ्रेंड जोन में पड़ा रहेगा, और क्या पता बेचारा ऐसे ही तोंगवे की शादी में ही पहुंच जाए गेस्ट बनकर, ग्रूम बनकर नहीं। तोंगवे को अपने साथ लंच पे ले जाने के लिए उसकी कंपनी विजिट करता है, लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन तो आ ही चुका था। शाफई उसे अप्रोच करता है और कहता है कि तुम दोनों खाना खाने के लिए जा रहे हो, मैं भी चलूंगा, वैसे भी तुम दोनों माइंड नहीं करोगे ना मुझे, है ना? लेकिन त्यान यू क्या देता है कि नहीं नहीं मैं माइंड करूंगा, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ ज्वाइन मत कीजिए। शाफई ने कई सारी र्यूमर्स भी सुनी थी कि तोंगवे का त्यान यू बॉयफ्रेंड है, बिकॉज ऑफिस में ऐसी र्यूमर्स तो उड़ने लगी थी। शाफई को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तोंगवे का एक बॉयफ्रेंड भी है, इसीलिए उसे इग्नोर कर रही है। इसके बाद इन दोनों की डेट बर्बाद करने के लिए नीचे भी पहुंच जाता है और तोंगवे से कहता है कि हमें बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है, एंड मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, है ना? तोंगवे उसे मना नहीं कर पाती बिकॉज आफ्टर ऑल उसकी टीम एंड उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। इसके बाद वो कह देती है कि त्यान यू हम बाद में कभी लंच करें। तो त्यान यू बेचारा अपना छोटा सा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और समझने लगता है कि अब उसे अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज उसका राइवल आ चुका है स्टोरी में। तोंगवे उससे कहती है कि शाफई अब हमें क्या करना है, तुम्हारे पास कुछ बात करने को है? पर शाफई के पास घंटा कुछ बात करने को नहीं होता है। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले तो मेरे साथ चलो। तोंगवे उसके साथ जाने लगती है। इसके बाद तोंगवे को दरअसल डिनर पर ले जाता है, यहाँ पर उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। तोंगवे दरअसल परसिस्टेंट थी कि उसे काम करना है, वो यहाँ पर इंजॉय करने के लिए नहीं आई। इसके बाद उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। तोंगवे कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती, उसे सी फूड खाने के लिए बोलता है। तोंगवे कहती है कि उसे सी फूड से एलर्जी है। शाफई को लगता है कि शायद तोंगवे उसे ज़बरदस्ती इग्नोर कर रही है। इसके बाद उसका स्टमक अपसेट हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। शाफई को लगता है कि शायद उसने गलती कर दी, इसीलिए वो दोबारा से तोंगवे से मिलने के लिए जाता है मेडिसिन लेकर, पर वो यहाँ पर त्यान यू और तोंगवे को एक साथ देख लेता है। फिर क्या, चल पूंज कर वो अंदर से खाक हो जाता है कि अच्छा मेरी बारी पे इसका स्टमक अपसेट था, लेकिन अब इस बंदे के साथ इतनी खुश होकर ये बात कैसे कर रही है, दैट्स नॉट फेयर। अब मीर बाप की औलाद है, उसने कभी भी किसी के मुंह से ना तो सुना ही नहीं है, उसने अपने डैड का लिहाज नहीं किया और उन्हें ठेंगा दिखाकर जब वो चाइना भाग कर आ गया, और जब एक लड़की उसे मना करेगी तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। वो फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत सारी टैबलेट खा लेता है स्ट्रेस की, लेकिन अगले दिन उसका ही पेट खराब हो जाता है। उसकी तबीयत खराब थी, उसका मूड तो और भी ज़्यादा खराब था। तोंगवे ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था बिकॉज कल रात वाली हरकतों से वो परेशान हो गई थी। अब बंदा इतना परसिस्टेंट है तो ऐसे तो मानेगा है नहीं, वो तोंगवे को कॉल्स करता है, टेक्स्ट करता है, तोंगवे उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। और इसके बाद वो सुबह एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ तोंगवे को फ़ोन पर सुनाता है। तोंगवे उसका फ़ोन उठाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट शाफई आप मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों कर रहे हैं? तभी शाफई कहता है कि तोंगवे मेरी कार के सामने कोई गिर गया। तोंगवे कहती है कि क्या गिर गया? तभी शाफई कहता है कि इंसान गिर गया। तोंगवे परेशान हो जाती है कि बस ये बंदा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही, उसे चैन से सोने को भी नहीं मिलता। वो सीधा पहुंच जाती है हॉस्पिटल और यहाँ पर अपने फ्रेंड त्यान यू को भी बुला लेती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लॉयर है जो कि इस केस को हैंडल करेगा। शाफई उसे देखकर अभी तक गुस्सा हो जाता है कि ये खजूर तुम्हारे साथ क्यों चिपका हुआ है। तभी तोंगवे कहती है कि जस्ट रिलैक्स और अभी चुप रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यान यू पैसे से सब कुछ मामला सुलटा आने की कोशिश करता है, पर शाफई कोई पसंद नहीं आता और कहता है कि उसने उसे टक्कर नहीं मारी। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि देख भाई अभी मामला यही चल रहा है, उन अंकल के गार्जियन को पैसों की जरूरत है, उन्हें पैसे देकर मामला सुलटा सकते हैं। पर शाफई वाज लाइक कि मैंने टक्कर नहीं मारी तो मैं पैसे क्यों दूं, भले ही मेरे पास इतना सारा पैसा है लेकिन मैं उसके लिए नहीं देने वाला, आखिर ट्रुथ को हम क्यों ट्विस्ट करें।
थोंग वे भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस बंदे को चाहिए क्या। लेकिन इसके बाद ही वो अंकल जल्दी ही होश में आ जाते हैं और उसके बाद शाफी को थैंक यू बोलते हैं, बिकॉज रोड साइड पर वो इसलिए बेहोश हुए थे बिकॉज उनका शुगर लेवल हाई हो गया था। शाफी उन्हें टक्कर नहीं मारी। इसके बाद शाफी तियानियों से कहता है कि देखा ना, मैंने इसे टक्कर नहीं मारी, अब तुम्हें समझ आ गया ना, इसलिए मेरे बिजनेस से दूर रहो। इसके बाद तियानियों तो चला जाता है पर शाफी तोंगवी से और भी ज़्यादा चिपकने लगता है। तभी तोंगवी कहती है कि अब क्या। तभी शाफी कहता है कि मेरा स्टमक अपसेट है। इसके बाद तोंगवी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ पर वो बच्चों की तरह उसके सामने एक्ट करता है। तोंगवी भी उसे थोड़ा बहुत घुल मिल जाती है पर वो तोंगवी को ऐसे छोड़ने वाला तो नहीं था। उसे अपने साथ लंच पर भी ले जाता है, प्रॉपरली उससे बातें करता है। उसके बाद भी उसे नहीं छोड़ता, उसे अपने साथ एक और फन प्लेस पर ले जाता है। यहाँ पर सब बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। और लास्ट टाइम पर शाफी को तोंगवी को गलती से ही सही पर किस करने का मौका मिल जाता है। इन दोनों को ही पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। शाफी को तो पता ही था और अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं हमारी तोंगवी पे भी थोपने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा होता है। तोंगवी को पता था कि बिजनेस रिलेशनशिप जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इस मामले में फीलिंग्स लेना दैट्स नॉट गुड। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और शाफी को जितना चाहे उतना इग्नोर करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे बहुत ही बड़ा दिन था, लेकिन रात में शाफी का झगड़ा हो जाता है अपने डैड से बिकॉज वो उसकी मॉम का होम टाउन बेच रहे थे। वो दरअसल मीटिंग में बहुत ही लेट पहुंचता है। बेचारी हमारी तोंगवी सारे फैले हुए रायते को संभालने की कोशिश करती है बट बंदा उसे और भी फैला देता है और वो ड्रंक होकर बहुत ही एरोगेंट हरकतें करता है, जिसके बाद जो दूसरी कंपनी रहती है वो दरअसल कॉन्टैक्ट साइन करने से मना कर देती है। उसमें हमारी सेकंड फीमेल लीड भी थी शैन, जो जानती थी कि शाफी इतना ईजी भी नहीं है। उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, इसलिए वो शाफी पर ट्रस्ट कर उसे फॉलो करती है। हम तोंगवी को देखते हैं जिसके लिए प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा था, उसके लिए हर एक प्रोजेक्ट उसकी स्नेक के बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाफी को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा था बिकॉज वो तो अमीर बाप की औलाद, उसे क्या फर्क पड़ेगा एक क्या चार प्रोजेक्ट खराब हो जाए। पर तोंगवी जैसी रेगुलर वर्कर के लिए ये उसकी जिंदगी थी। इसके बाद वो शाफी पे इसके लिए नाराज हो जाती है। शाफी उसे मनाने की कोशिश करता है बट ऐसे दाल नहीं गलने वाली थी। सिचुएशन और भी ज़्यादा तब बिगड़ जाती है जब वो अचानक से तोंगवी से बार में मिलता है और वो भी तियानियों के साथ थी। इसके बाद क्या, उसका गुस्सा दरअसल सातवें आसमान पे पहुंच चुका था। वो तोंगवी का हाथ पकड़ता है, उसे कोने में ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम मुझे इतना हेट करती हो। तोंगवी को पता था कि ये अभी अपने होश में नहीं है, उसे पुश करने की कोशिश करती है पर तियानियों सिचुएशन को अभी तक बिगाड़ देता है। शाफी से उसका झगड़ा हो जाता है लेकिन तोंगवी वहां से चली जाती है। शाफी अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था लेकिन शाफी को तोंगवी फ्रेंड अप्रोच करती है, जो कि जानती थी कि सब कुछ बवाल सिर्फ और सिर्फ शाफी की वजह से हुआ है। इसके बाद शाफी को दरअसल सच्चाई दिखाती है कि तुम जैसी रंगीन दुनिया हर किसी की नहीं होती, सबके पास इतना पैसा नहीं होता और सबकी लाइफ में इतने चांसेस नहीं होते, और सेम तोंगवी के लिए भी है। वो एक रेगुलर एम्प्लॉय है, भले उसकी जो स्किल्स है वो एक्सीलेंट है लेकिन हाँ उसकी जिंदगी में फेलियर का एक धब्बा तो तुमने लगवा ही दिया है। बंदे को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। इसके बाद तोंगवी से सिंसियरली सॉरी बोलने के लिए जाता है। तोंगवी अभी तो कुछ भी नहीं कहती और उसे बस सुनती रहती है। यहाँ पर तोंगवी की कज़िन इन दोनों की फ़ोटो भी क्लिक कर लेती है ताकि वो तियानियों को दिखा सके कि बस तुम्हारा कट गया बिकॉज मेरी सिस्टर को कोई और मिल गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।